कर जोरू विनती करू धरू चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानी और। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानी और। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पोत कपोत हूँ बोर पिता को नाज। मैं अपराधी जन्म का नक्षक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो शुमार। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आखूरो। चरणों ऊपर शीश रखूं कहूं जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना बोलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नाही। तुम्हारे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा तिनके हृदय न समा। अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतारी। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार। हरि सुमरे सो रह गए गुरु सुमरे हो पार। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम रजा से ये पूर्णमासी का सत्संग प्रारंभ हुआ। परमात्मा कहते हैं वो स्वयं ही यहां पर तत्वदर्शी संत बनकर आते हैं और अनजान संतों और ऋषि महर्षियों के द्वारा जो भक्ति का स्वरूप बिगाड़ दिया जाता है उसको स्वस्थ करने के लिए आते हैं। वो स्वयं ही परमात्मा होते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म वो स्वयं है, वही संत रूप धारण करते हैं, वही एक
परम भक्त की भी भूमिका करते हैं। वो हमारे लिए उदाहरण छोड़कर जाते हैं, अपनी अमृतवाणी सौ संवेद अपने मुखारविंद से वो इस तत्व ज्ञान का उच्चारण करके और एक अनमोल वस्तु हमारे को प्रदान कर जाते हैं। उसी तत्व ज्ञान में अर्थात सौसम वेद में क्या कहते हैं कबीर, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में न हो। प्रभु कहते हैं कि एक सच्चे भक्त को जब तत्व ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान से वो परिचित हो जाता है, उस समय उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे कहते हैं कि एक पूर्ण भक्त जो सच्चा भक्त है जिसको तत्व ज्ञान हो गया है और उसको यहाँ का ये राम काल भगवान काल राम यदि ये कहे कि चलो तुम स्वर्ग में चलो, तुम्हें स्वर्ग में वास देता हूँ, कहते हैं परमात्मा कहते हैं हमने तो रोना आ जाता है कि जो सुख एक परम संत के पास होता है, परम संत के संग में होता है, वो सुख स्वर्ग में नहीं हो सकता। राम बुलावा भेजिया, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में ना हो। पूरे संत के ऊपर ही सारी महिमा चलती है। अब जहां भी गुरु का जिक्र आता है आध्यात्मिक सदग्रंथों में तो वहां पूर्ण गुरु की तरफ ही संकेत होता है, बाकी ये नकली गुरु भी गुरु ही कहलाते हैं। जैसे डुप्लीकेट वस्तु होती है उसका नाम भी उसी जैसा होता है लेकिन वो ओरिजिनल वस्तु वाला कार्य नहीं कर सकती। उस परम पिता की कृपा से ही सत्संग में आना होता है। वो संत बहुत ही वो भक्त बहुत ही पुण्यकर्मी होते हैं जिनको सत्संग में आने का अवसर प्राप्त होता है। इसी समय में कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, कोई किसी टेंशन में पड़ा है, किसी को कोई कष्ट है, कोई किसी कारण से कोई चोरी की तैयारी कर रहा है, कोई डाके की तैयारी कर रहा है, कोई दो नंबर के काम की स्कीम बना रहा है, कोई राजनीति मुड़ जा बैठा है, कोई कितना कोई कुछ हो रहा है, किसी के साथ कोई झगड़ा हो रहा है, और जो पुण्यात्मा यहाँ सत्संग में पहुंची हैं, धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, धन्य है वह पुण्यकर्मी प्राणी जिनको यहाँ आने का सुअवसर प्राप्त होता है। और सत्संग आने से परमात्मा की महिमा का ज्ञान होता है। जो भी हम जिस भी व्यवसाय के अंदर हम प्रवेश करते हैं उसका ज्ञान हमें पूरा होना चाहिए, तभी हम उस व्यवसाय में सफल होते हैं। ये भी एक सौदा है, ये राम नाम का सौदा है, राम नाम का बिजनेस है। इस बिजनेस के विषय में आप पूर्ण रूप से मास्टर हो जाइए, फिर देखना इसमें कितना आनंद आता है। जब तक आप इसके मास्टर नहीं होते, आपको ज्ञान नहीं होता, तो आपको कोई भी विचलित कर सकता है। दास का उद्देश्य यही रहा है कि मैं आपको ऐसे रंग में रंग दूं, आपको वो तत्व ज्ञान करा दूं कि छोटे छोटे बच्चे भी यहां के ब्रह्मा विष्णु महेश से भी विचलित नहीं हो पाएंगे। और यहाँ के छोटे मोटे संत पंतों की तो कहनी क्या है, वो तो हमारे भक्तों को डस डस से मस कर ही नहीं सकते।
तो उसके लिए आपका आवश्यक है कि आप अधिक से अधिक क्लास अटेंड करो, अधिक से अधिक सत्संग में आइए और ये सत्संग सुनिए। और मान लीजिए आप नहीं आ पाते हो तो इस सत्संग की हमने सीडी बनाई हुई होती है, कैसेट बनी होती है, ऑडियो भी, वीडियो भी, MP3। हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये ज्ञान जन जन तक पहुँचे। और जो बच्चा किसी सत्संग में नहीं आ सका, क्लास अटेंड नहीं कर सका, तो वो अपने घर बैठ के उस होम टास्क कर ले, उस कमी को पूरा करे। अवश्य सत्संग सुनना चाहिए। घर पर भी आप बैठ करके 1 घंटा प्रतिदिन नियम बनाइए कि 1 CD स्वयं देखिए और बच्चों को भी दिखाइए। और साथ में यदि आसपास के आपके पड़ोस में कोई ऐसा है जिसके पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको भी आमंत्रित कर लीजिए और सत्संग अवश्य सुनाइए। लेकिन ध्यान रहे कि उसमें आप स्वामी मत बन जाइए। ये स्वामी बनना इस जीव के लिए खतरनाक होता है। अधीन दास बनकर के ही अपना गुजारा कीजिए प्रभु की तरफ, तभी हम चल सकेंगे जब हम दास बने रहेंगे। और कितना भी दान पुण्य सेवा करके भी आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये दान कर दिया, मैंने ऐसी सुविधा उस व्यक्ति को दे दी, वो भक्त, उस भक्त को मैं बुला के लाया हूँ, उस भक्त को मैंने नाम दिलाया है। नहीं, परमात्मा की कृपा हुई कि आपके माध्यम से आपको प्रेरित करके उस प्रभु ने ही ये सब कार्य उस पुण्य आत्मा के द्वारा के लिए करवाया है।